हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, एक बहुत खूबसूरत सी डिज़ाइन, ये देखिए, ये आप लोगों के सामने है। इसे मैंने एक बेबी के स्वेटर में योक में बनाया हुआ है। तो ये डिज़ाइन बहुत ही सिंपल, बहुत ईजी और बहुत खूबसूरत सी डिज़ाइन है। और ये किसी भी तरह के स्वेटर में इसे, इस पैटर्न को अप्लाई किया जा सकता है। कार्डिगन, पुलोवर, जेंट्स स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, ये मैं बच्चे के ही स्वेटर में मैंने डाला है। तो ये लेडीज़ कार्डिगन, किसी भी तरह के स्वेटर में इस डिज़ाइन को हम डाल सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार होगा स्वेटर। तो ये मैंने तो एक बेबी का स्वेटर में बना रही हूँ, उसके योक में ये देखिए, ये मैंने स्वेटर, ये डिज़ाइन इस तरह से डाला हुआ है। अभी मैंने ये पूरा नहीं किया है स्वेटर को, मैं इसे अभी बना रही हूँ। तो मैंने इसकी वीडियो बनाई है, बनाने का मैंने प्लान किया कि मैं इसकी वीडियो बना लूँ। तो ये डिज़ाइन कैसे बनती है, तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने 20 फंदे सिलाई पे रखे हैं। 3-3 फंदों की डिज़ाइन है और 4 सिलाइयों में डिज़ाइन बन के तैयार होती है। एक फंदा, 2 फंदे इस फंदे के हैं, तो एक फंदा स्लिप किया। और अब देखिए, हम फंदा आगे करके 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। अब इसमें जो पीछे का फंदा है, इसे हम सिलाई पे रहने देंगे इस तरह से, और फिर इसी को बैक लूप से दूसरे फंदे के साथ 2 का एक कर लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से हमें करना है। कितने बैक लूप से 2 फंदे को एक फंदा कर लिया, 3 फंदे थे, 3 फंदे बन गए। इसी को बार बार रिपीट करना है। फंदा आगे किया, 2 फंदे का एक फंदा किया, फिर दूसरे फंदे को सिलाई पे इस तरह से रहने देंगे और बैक लूप से इस फंदे के साथ दूसरे फंदे को मिला के 2 का एक कर लेंगे बैक लूप से सीधा बुनते हुए। तो ये देखिए, ये हमारे 3 फंदे रह गए। फिर फंदा आगे किया, फिर 2 फंदे का एक फंदा किया, फंदा सिलाई पे रहने दिया, फिर बैक लूप से 2 फंदे का एक फंदा किया, फंदा आगे किया, 2 फंदे का एक फंदा किया, फिर दूसरे फंदे को हम सिलाई पे इस तरह से रहने देंगे और इस फंदे में बैक लूप से दूसरे फंदे के साथ 2 फंदे का एक फंदा कर लेंगे। फंदा आगे किया, 2 फंदे का एक फंदा किया और दूसरे फंदे को सिलाई पर रहने देंगे, फिर बैक लूप से इसी फंदे के अंदर से दूसरे फंदे के साथ जोड़ के 2 फंदे का एक फंदा कर देंगे। अब हमारे हमें तीन फंदों की डिज़ाइन है फ्रेंड्स। से तो 2 फंदे का एक फंदा किया, फिर बैक लूप से उसी फंदे के साथ 2 दूसरे फंदे को जोड़ के 2 का एक कर लेंगे सीधा बुनते हुए। तो इस तरह से ये सिलाई कंप्लीट हो गई। अब उल्टी सिलाई फ्रेंड्स, हमें उल्टे पे पूरा उल्टा बुनना है। बहुत ही आसान सी डिज़ाइन है और सिंपल सी और बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है, क्योंकि ये 4 सिलाई में डिज़ाइन बनती है। 2 सिलाई हमने बना ली है, अब 2 सिलाई हम दोबारा बनाएंगे तो हमारी डिज़ाइन थोड़ी सी शिफ्ट होगी, तो इसकी जगह थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। अब ये हमें देखना है कि अब हमें 2 का एक कहाँ पे करना है। अभी देखिए फ्रेंड्स, हमने जाली फर्स्ट फंदे के बाद ही बनाई थी, तो इसलिए हमको एक फंदा ये स्लिप किया, एक फंदा इसे भी बुनना पड़ेगा। फिर अभी हमें एक फंदा और बुनना पड़ेगा, क्योंकि हमें इन दोनों फंदे के जाली के बीच बाद का जो फंदा है, इसमें हमें डिज़ाइन बनानी है। तो ये फंदा भी हमने बुन लिया। फिर अब हमें ये देखिए, जाली के बाद वाला जो फंदा है ना, इसी में हमें 2 का एक करना है और इसी जाली वाले फंदे को ही हम बैक लूप से इस फंदे में से दूसरे फंदे को जोड़ के 2 का एक करेंगे सीधा बुनते हुए। यही हमें ध्यान रखना है कि जो जाली वाला फंदा है उसी पे ये डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से 2 का एक किया और दूसरे फंदे को सिलाई पे रहने देंगे और बैक लूप से
दो फंदे का एक फंदा कर देंगे। फिर फंदा आगे किया, फिर दो फंदे का एक फंदा किया, फिर दूसरे फंदे को सिलाई पर रहने देंगे और नेक्स्ट फंदे को जोड़ते हुए दो का एक बैक लूप से कर देंगे सीधा बुनते हुए। इसी तरह से हमें बार बार बुनना है। बस हमें यही ध्यान रखना है कि कौन से फंदे को हमें दो का एक करना है। ये देखिए, ये जो जाली के साथ का जाली वाला फंदा है उसी फंदे में हमें ये डिज़ाइन बनानी है। और अब हमारा ये दो फंदा सीधा बुन जाएगा। ये एज स्टिच का फंदा है। अब उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बुन लेंगे। तो ये हमारी चार सिलाइयों का एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। अभी फ्रेंड्स मैं अभी चार सिलाई और बनाऊंगी, क्योंकि चार सिलाई में डिज़ाइन बिल्कुल समझ में नहीं आएगी कि ये क्या बन के तैयार हुआ है। तो जब चार सिलाई और बन जाएगा तभी पता लगेगा। थोड़ा सा जब ज़्यादा सा हो जाता है तो समझ में आता है। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि फंदा हम एक एज स्टिच उतारेंगे, फिर हमें एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे पहले, क्योंकि ये हमें जाली वाले फंदे से हमें दो का एक करना है। जो जाली का फंदा निकलता है, ये देखिए, ये दो का एक किया, फिर जाली वाले फंदे को ही हम बैक लूप से रोक के सिलाई पे और दो फंदे का एक फंदा कर लेंगे सीधा बुनते हुए। अब फिर ये देखिए, जाली के बगल वाला फंदा है, फंदा आगे करेंगे और दो फंदे का एक फंदा कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा ढीला कर लें, फिर दो का एक कर लिया, फिर फंदे को सिलाई पे दूसरे फंदे को रहने देंगे और उसके अंदर से बैक लूप से दो का एक कर देंगे दो फंदे का। तो अब फिर से जो है फंदा आगे करेंगे, इसी को बार बार रिपीट करते रहेंगे। दो फंदे का एक फंदा किया, फिर सिलाई पे रहने देंगे फंदे को सेकंड वाले और दूसरे फंदे के साथ बैक लूप से सीधा घूमते हुए दो का एक कर लेंगे। अब देखिए थोड़ी डिज़ाइन क्लियर होने लगी। अब फंदा आगे किया, फिर दो फंदे का एक फंदा किया, फिर दूसरे फंदे को सिलाई पर रहने देंगे, फिर बैक लूप से दूसरे फंदे के साथ नेक्स्ट फंदे को दो का एक सीधा बुनते हुए बुन लेंगे। इसी को बार बार हमें रिपीट करना है। अब हमारी ये अच्छी सिलाई हो जाएगी उल्टा बुनने के बाद। तो थोड़ा सा डिज़ाइन क्लियर होने लगी है। अब ये देखिए, ये हमारी ये डिज़ाइन इस तरह से बन के तैयार हुई। अब हम उल्टा भी बुन लेते हैं और दो सिलाई में और बुन लेती हूँ, तो डिज़ाइन एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगी कि किस तरह से हमें बनाना है। तो ये देखिए, हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम फिर से सेवेंथ रो पे हैं। ये वैसे चार ही सिलाई के डिज़ाइन है, ये हम रिपीट पैटर्न कर रहे हैं और थर्ड रो हुई। तो अब देखिए, एक फंदा स्लिप किया, फंदा आगे करके दो फंदे का एक फंदा करेंगे और फंदे को सिलाई पे रोक के दो फंदे का एक फंदा कर लेंगे बैक लूप से। फिर इस तरह से फंदा आगे करके दो फंदे का एक फंदा करेंगे, जाली के साथ वाला फंदा है ये, और सिलाई पे फंदा रोकते हुए बैक लूप से दो फंदे का एक फंदा कर देंगे। फंदा आगे करेंगे, दो फंदे का एक फंदा करेंगे, दूसरे फंदे को सिलाई पे रोक लेंगे और दो फंदे का एक फंदा बैक लूप से कर लेंगे। फंदा आगे करेंगे, दो फंदे का एक फंदा करेंगे और दूसरे फंदे को सिलाई पे रोक के
इसे नेक्स्ट फंदे के साथ जोड़ के दो का एक कर सीधा बुन लेंगे। इसी तरह से हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। बस हमें इस डिज़ाइन में ये ध्यान रखना है कि हमें दो का एक कहाँ पे करना है। जो फंदा जाली का है वहीं से हमें दो का एक करेंगे, वरना हमारी डिज़ाइन बिगड़ जाएगी। तो ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन क्लियर हो गई। और अब उल्टा भी बुन लेते हैं। जब इतना बुन लिया तो ये 8 सिलाइयों की डिज़ाइन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सोबर सी डिज़ाइन है। ये किसी भी तरह के प्रोजेक्ट पे इसको अप्लाई किया जा सकता है। कार्डिगन में भी इसे बनाए तो बहुत ही अच्छा कार्डिगन बन के तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको शुरू में ही दिखाया है कि मैंने बुना है तो कितनी अच्छी डिज़ाइन लग रही है। तो ये देखिए, ये डिज़ाइन इस तरह से ये बन के तैयार हुई। ये कंप्लीट डिज़ाइन ये इस तरह से 8 सिलाइयों की ये इस तरह की डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को डिज़ाइन समझ में आ गई होगी। और फ्रेंड्स, अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूँगी किसी नए डिज़ाइन के साथ। शुक्रिया बहुत।